हमने कर लिया था फ्लूइड स्टैटिक्स पार्ट ए, जिसमें हमने ये देखा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उन सब चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया। पास्कल्स लॉ और हाइड्रोस्टैटिक लॉ एक बार मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ बस ये बोलता है कि जैसे जैसे हम नीचे किसी फ्लूड के अंदर डेप्थ में जाते जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पेसिफिक वेट, दैट इज ओमेगा रो जी, है ना। और द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग विद दिस रिस्पेक्ट। ओके, और क्या पढ़ा हमने? पास्कल्स लॉ ये पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में होता है, हमने ये पढ़ा। जिसका ये मतलब था, जैसे ये मान लो फ्लूड है, ये पूरा फ्लूड है, ठीक। यहाँ एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, सरफेस एक सिंगल लाइन बनाते हैं, एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसी डेप्थ पे एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसी डेप्थ पे एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक। और इसी डेप्थ पे, ठीक है, तो इस सरफेस पे ऐसे लगेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पी, इस सरफेस पे ऐसे लगेगा फॉर इंस्टेंस। अगर हम ये समझ लें कि सरफेस दोनों तरफ से, मान लो ऐसे मान लिया, ठीक है, अब ज्यादा क्लियर समझ में आए, तो उस सरफेस पे इस तरह लगेगा लेकिन इस सरफेस पे इस तरफ लगेगा, ठीक है। मान लो इसको भी हमने एक मान लिया, तो इस तरह से लगेगा ये सरफेस, मान लीजिए, इस सरफेस पे इधर से लगेगा लेकिन इस सरफेस पे इधर से लगेगा। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक, दिस इज पास्कल्स लॉ कि किसी भी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में फोर्स, हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होता है, और जैसा सरफेस मिलेगा उस सरफेस पर जब प्रेशर अप्लाई होगा तो वो अकॉर्डिंगली हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसमें हमने प्रेशर कैलकुलेट किया, इसमें हम क्या करेंगे? अब प्रेशर तो मिल गया हमें, अब हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, देखो हमें प्रेशर तो मिल चुका है, अभी क्यों बेटा थोड़ी देर देखते रहो, हमें प्रेशर मिल चुका है। नाउ वी हैव गॉट प्रेशर एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट, पी इज इक्वल टू रो जी एच, व्हाट इज द हाइट, और अभी हम एक पॉइंट के लिए ले रहे हैं, पॉइंट एरिया, मान लो पॉइंट सरफेस, पॉइंट सरफेस के लिए ले रहे हैं। बहुत अभी सिंपल सा केस लेते हैं, मान लो एक पॉइंट सरफेस है ना, पॉइंट सरफेस एरिया डी ए मान लिया, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा डीएफ क्या हो जाएगा? पी इंटू डी ए, तो डीएफ इज इक्वल टू पी, यानी कि रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई डी ए। डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, देखो डायरेक्शन अब यही ना, डायरेक्शन यहां से देखो, इट्स नॉट अबाउट डायरेक्शन, इट्स जस्ट अबाउट दी वैल्यू। सो डीएफ इज इक्वल टू दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला, और ये मे बी यू कैन राइट डब्ल्यू टू दिस, डब्ल्यू डी ए इंटू एच, ठीक है। एच मीन्स हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, दिस इज द नोटेशन फॉर फ्री सरफेस, मे बी मैं शायद पिछले लेक्चर में ना बताया हूँ, तो दिस इज द नोटेशन फॉर फ्री सरफेस। अच्छा ये हो गया आपका, दिस इज योर फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंटल एरिया, ठीक। अब इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया के लिए, थोड़ा सा इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया के लिए दिस एच एंड एच एंड इट्स दिस इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इट इज हाइट, वी विल से दैट दिस इज लोकेशन ऑफ फ्री सरफेस, तो हम लिख सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू डी ए, एच की जगह लिख दिया एक्स बार, जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा। एलिमेंटल एरिया के लिए तो दोनों सेम है,
अब मान लो एक बड़ा सा एरिया ऐसे है, तो कौन सी हाइट लेंगे यहाँ की? यहाँ लिख लेते हैं, एक बड़ी सी हाइट ले ली, मान लो हमने ऐसे हाइट ले ली, मतलब सरफेस लिया, थोड़ा बड़ा है सरफेस। अब बताइए कौन सा लें? यहाँ देखें तो दिस इज समथिंग एक्स वन, इसको देखें तो दिस इज एक्स टू। एच डिनोट्स द वर्टिकल हाइट ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट, बट हियर देयर आर मेनी पॉइंट्स, हमें एक पॉइंट चाहिए ना, तो एक पॉइंट कौन है? दैट इज एक्स बार, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नॉट एक्स बार, दैट इज जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस एक्स बार इज द वर्टिकल लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन दिस केस यू सी दैट एच और एक्स बार बराबर है, तो इसलिए हमने एच को डायरेक्टली, हम कोई प्रूफ नहीं कर रहे, हम बस एक फील दे रहे हैं, फील, जस्ट अबाउट अ फील, नथिंग मच। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कुछ। तो अगर आप इसको समझ गए तो अब मैं आपको एक पूरा पिक्चर बताता हूँ, अगर आप इसको थोड़ा आइडिया लग गया आपको कि क्या चीज़ है। तो देखिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ये बस समझाने के लिए था, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कुछ आपको नोट करने जैसा लगे, तो है नोट करने जैसा, नो डाउट। ये बात आप समझ गए, समझ गए ना? तो देखिए तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस, क्या होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस? तो मैं एक यहां पे एक पूरा फ्लूइड जोन बना देता हूं, उसमें पानी दिखाऊं नहीं तो आप समझ जाना पानी है, बट चलो दिखाई दूंगा उसमें क्या है। सो दिस इज योर फ्री सरफेस, दिस इज योर वॉटर, मैं पूरा बना रहा हूं ताकि एक ही फिगर में आपको सब कुछ दिख जाए, मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा चाहिए थी, वर्टिकल इतनी नहीं चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब हम एक प्लेन सरफेस यहां रखते हैं, बिल्कुल प्लेन सरफेस, ठीक है, थिकनेस इसमें इग्नोर करना, इसमें थिकनेस इग्नोर करना आपको, ठीक। अब इस प्लेन सरफेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां होगी, ठीक है, तो इसके लिए द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एक्स बार, लोकेशन और द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस, सो व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, ध्यान से देखना, ऑफ द सरफेस फ्रॉम ऑफ द सॉलिड सरफेस लिख सकते हैं मे बी, ऑफ द ऑफ सॉलिड सरफेस, ये इसलिए बता रहा हूं, मैंने बताया ना कि दो ऊपर से भी हो सकता है नीचे से हो सकता है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डायरेक्शंस कि कहां से क्या होगा, हम चलो इसको एक ही सरफेस मान रहे हैं, बस टॉप टॉप ले लो, कोई एक ले लो या जो भी ले लो, दोनों सरफेस बिल्कुल अगल बगल हैं तो ठीक है, फोर्स सेम लगने वाला है तो उसको इग्नोर करना है ना, जस्ट एक्स बार इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, हमने इसको थिकनेस को ऑलमोस्ट जीरो माना है एंड दैट इज व्हाई ये एक्स बार अलग अलग नहीं है। चलिए सो इन द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस ऑन प्लेन सरफेस, अगर इफ नहीं सरफेस चाहे जैसे रखा हो, whatever be the orientation of
सरफेस, जो भी ओरिएंटेशन हो, डजंट मैटर, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F विल बी इक्वल टू W A X बार और रो G A X बार। यानी हमें ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि X बार कहाँ है। ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं, अभी मैं और फिगर बनाऊंगा, बनाता हूँ, बताता हूँ आपको। दिस इज योर ओमेगा ए एक्स बार। तो एक और फिगर बनाते हैं, तो जनरलाइज फिगर बना देता हूँ इस बार, ठीक। This is a generalized figure. I'm just trying to create, but मेरा black pen मुझे धोखा दे रहा है। ऐसी expectations तो नहीं थी मुझे, but ये दे रहा है, कोई बात नहीं। This is your random surface. अब इस surface के लिए height अलग अलग है, इस position पे there is a different height. That is why we did not use h. तो इसकी center of gravity मान लिया यहाँ है। This is your center of gravity, ठीक। इस center of gravity के लिए हम इसको देखते हैं, अगर ये वाला काला काम कर जाए तो, इस center of gravity के लिए you can see that we can say that this is x bar. भले ये surface यहां से यहां तक फैला हुआ है, we just need x bar, ठीक है, x बार ऑफ द सरफेस। याद रखना एक बात, ये जो आपके सामने ऐसे दिख रहा है ना, दिस इज नॉट सरफेस, सरफेस डेप्थ में है। कहीं ऐसा सोचो कि यही सरफेस है, सरफेस कहां है, हम सरफेस ऐसे रखा हुआ ऐसे, और हम यहां से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। पानी का जो भी हम लोग वो ओमेगा ए डब्ल्यू ए एक्स बार लग रहा ना, वो इस पे नहीं लग रहा है, या इस पे नहीं लग रहा है, ना 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 ना, इस पे लग रहा है। ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इस पे लग रहा है या इस पे लग रहा है। दिस थिकनेस इज जीरो, इसका कोई मतलब नहीं, बस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ओ बड़ी अच्छी डिजाइन बन गई यहाँ तो, कितनी अच्छी डिजाइन बन गई ना, वाह वाह वाह, ठीक है। तो ये ऐसे रखा हुआ और इस सरफेस पे या इस सरफेस पे, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस थिकनेस इज जीरो, वो ध्यान रखना है आपको। तो किस सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस सरफेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि यहां है, यानी कि मान लो यहां यहां दिख रहा है आपको, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो हमें यहां से देखने पे यहां कहीं दिख रही है। व्यूज की बात है, थोड़ी व्यूज की, ठीक है, यूट्यूब वाले व्यूज की नहीं भाई, मतलब ऐसे देखने वाले व्यू की। फिर और सिखा लिया, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये आपका हो गया x बार, ठीक है, वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं। उस पे भी जो हमारा फोर्स होगा दिस यही होगा, तो फर्स्ट केस के लिए भी यही होगा और सेकेंड केस के लिए भी यही होगा। दिस इज योर सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या मतलब, ये जनरलाइज्ड है, केस तो इसके बाद आएगा, दिस इज द मेन थिंग। एनीवेज, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पे देखा जाए तो यही खत्म हो गया, बट एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, अच्छा अच्छा ये क्या है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब आप देखो इसके ऊपर ना हर पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है, तो देखते हैं इस पे कुछ कुछ प्रेशर लग रहा होगा। तो देखिए इस जगह पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, मैं जस्ट एक जगह लेता हूं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, सो मैं मिटा दूंगा इसको बाद में। तो ए पर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि ए की हाइट यहां से एच है और एक्स बार हम अभी एच यूज कर रहे हैं। डी में क्या होगा, रो जी एच, सी में क्या होगा, रो जी एच, और डी में क्या होगा, रो जी एच, ऑल आर
इक्वल, चलिए इक्वल है तो चलो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं एक वो बना देने के लिए, एक ग्राफ, ग्राफ नुमा जो यहाँ दिखाए, तो यानी इस सरफेस पे इतना फोर्स, इतनी ऊंचाई का, लेट्स से दिस हाइट इज रो जी एच, हाइट मतलब ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो दिस हाइट इज रो जी एच, मतलब इतनी हाइट ग्राफ में, इतनी हाइट रो जी एच में दिखा रही है। अच्छा जी चलिए इसमें देखते हैं, अगेन टेकिंग टू फोर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ए की हाइट ध्यान से देखिए, मैं यहां जानबूझ के ऐसे नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे मिटाना है बाद में ताकि अच्छे से मिटे, ए की हाइट इज लेट्स से एक्स एच वन, बी की हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस इज एच टू, सी की हाइट इज एच थ्री एंड डी की हाइट इज एच फोर। दिस टाइम ए बी सी एंड डी अगेन, सो दिस टाइम ए पे लगेगा आपका रो जी एच वन, टेढ़ा खड़ा होता हूं क्योंकि मुझे लगता है रो जी एच टू, रो जी एच थ्री एंड रो जी एच फोर। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए दैट पी डी इज ग्रेटर देन पी सी इज ग्रेटर देन पी डी एंड इज ग्रेटर देन पी ए, यहां पे इक्वल नहीं है। अगर यहां हम रिप्रेजेंट करें अगेन, अब मुझे ये मिटाना है ऑल दीज लाइन्स, दीज लाइन्स आर जस्ट नॉइज फॉर अस हियर, फॉर रेफरेंस दीज लाइन्स आर नॉट ऑफ आर यूज, ठीक है चलिए। सो अब हम करें, अब ए बी सी डी भी मैं हटा रहा हूं क्योंकि वो भी हमारे काम का नहीं है, पर आपको तो पता है ना ए बी सी डी कहां था, तो लेट्स से ए पर जितना भी रो जी एच वन है दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट दैट इज शोन एंड दिस इज रो जी एच वन, पर डी पे क्या इतना ही बड़ा होगा, क्या डी पे इतना ही बड़ा होगा? नो, बिकॉज आप देखो ना डी पे तो इससे बड़ा है, डी पे इससे बड़ा है ना, तो डी पे मान लो थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि दूर है ना, हाइट इसकी ज्यादा है, लेट्स से दिस इज रो जी एच फोर, ठीक। तो वेरिएशन कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन है ये, कहीं अगर टेढ़ी मेढ़ी दिखे तो उसको इग्नोर करना, दिस इज अ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। सो नाउ दिस इज योर वेरिएशन, वेरिएशन में फर्क है, फर्क है, फर्क है ना, वेरिएशन फर्क, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है इसी फर्क की वजह से, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर, वहां कम लग रहा है प्रेशर, यहां प्रेशर ज्यादा लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऐसी जगह जहां पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, इट इज ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, अब अगर ये एट एवरी पॉइंट दिस इज डिफरेंट दैट मीन्स यहां कुछ और फोर्स है, यहां कुछ और, यहां बढ़ते बढ़ते फोर्स यहां बढ़ता जा रहा है, फोर्स इज इटसेल्फ चेंजिंग, हम बोल रहे हैं कि ये है, तो दिस इज टोटल फोर्स, फाइनल टोटल फोर्स ऑन दिस सर्फेस, ये कहीं लग भी तो रहा होगा, देखा जाए तो ये हर जगह अलग अलग लग रहा है, हर जगह लग रहा है, इसको एक जगह मतलब पॉइंट आउट क्या बोलते हैं, एक जगह उसको सेंटर्ड करेंगे ना, जैसे हम लोग वेट को करते हैं सेंटर्ड, वेट तो हर जगह है बट एक जगह सेंटर्ड करते हैं, तो यहां जिस जगह सेंटर्ड करते हैं उस फोर्स को, दैट प्लेस इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर
कौन सी लोकेशन है, वेयर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज सपोज्ड टू एक्ट। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, जहां पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, लग रहा है। फाइन, तो अब यहां से आपको क्या लग रहा है, देखो यहां पे देखते हैं, हर जगह बराबर है, तो हर जगह बराबर है तो कहीं यहाँ कहीं यहीं कहीं लग रहा है, मतलब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है और कुछ नहीं, तो क्या इसमें ज्यादा विक्रमबाजी कुछ बोल नहीं सकते। तो इसमें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर यहीं पे सेंटर ऑफ प्रेशर भी है एट द सेम प्लेस। सो फॉर दिस केस वन, फॉर दिस वन सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट को हम दिखाते हैं किससे, नाउ द सेंटर ऑफ प्रेशर, द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिनोटेड बाई एक्स सॉरी एच और एच बार, समटाइम्स एच बार, दैट इज द नोटेशन, मे बी एच बार भी लिख सकते हैं, एच बार ही लिख देते हैं, एच ही लिख देते। ओ लाइट चली गई क्या, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है, बढ़ जाए आगे, बढ़ ही जाते हैं, उम्मीद है कि जल्दी लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो दिस एच इज इक्वल टू एक्स बार, इन द फर्स्ट केस दिस एच इज इक्वल टू एक्स बार, व्हाट इज एच, एच इज हाइट ऑफ, एच इज एच इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट। सो फर्स्ट केस में तो इट इज इक्वल टू एक्स बार, बट वॉट इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस इट इज वेरी क्लियर, इफ यू लाइक थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंड केस में भैया देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, लेकिन जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, देखो इधर कम प्रेशर है इधर ज्यादा प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं ये राइट साइड शिफ्टेड है, तो इट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर एट दिस लोकेशन, समवेयर एट दिस लोकेशन, यहां कहीं एक्ट कर रहा होगा, पता नहीं कौन सी जगह, बस यहां कहीं एक्ट कर रहा होगा। This is your H. ठीक, आई बात समझ में, अब ये तो आ गया आपको समझ में कि H यहां क्या एक्ट कर रहा होगा, तो H निकालेंगे कैसे, तो H निकालेंगे कैसे वो हम लोग यहां पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, दैट मीन्स कि डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, डिस्कशन तो करने वाले बट नॉट एक्चुअली द डेरिवेशन। सो वट वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू इज in the second case or in general, second case that is in general, so it's a general formula, h is equal to x bar plus, kyunki plus kyunki wo niche hi aayega, obvious si baat hai wo x bar se niche hi jayega, upar nahi ja sakta, aap sochoge agar surface ko aise palat de to imagine karo kya hoga, aap to तेज आदमी, इमेजिन करो। सो इन जनरल एच इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार, लो एक नई चीज आ गई यहां पे, दैट इज थीटा एंड ए भी आ गया, सो ए तो एरिया ऑफ द सरफेस, ए इज एरिया ऑफ द सरफेस, ए तो कुछ नहीं है, ए इज area of surface, और ig क्या है, ig is moment of inertia
फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस अबाउट, फ्रॉम क्या होता है अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, कौन सी एक्सिस? तो ये वाली एक्सिस, ये वाली ऐसे। तो मैं इसको एक बार इसका व्यू भी बना देता हूँ आपको, ये इसका व्यू बनाता हूँ मैं। व्यू का मतलब इसका टॉप कैसे दिखेगा, इसको टॉप दिखेगा आपको कुछ इस तरह से। तो जो सरफेस हमारा है दैट सरफेस इज लाइक दिस, सरफेस इज काइंड ऑफ लाइक दिस, मतलब अच्छा से है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि टेढ़ा समझा दिया मैंने, से टेढ़ा सा है ठीक। तो दिस इज योर सरफेस, इस सरफेस की एल ये है, दिस इज योर विड्थ, ठीक है ना, दिस इज योर सरफेस ये इस व्यू में, दूसरे व्यू में। अरे बाप रे गर्मी होने लगी भाई, ठीक है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो है ना वो ये वाली एक्सिस, यानी कि इसमें देखें तो ऐसे ये वाली जो एक्सिस है दैट इज सेंट्रोइडल एक्सिस, इसको आप देखोगे तो वो ये वाली एक्सिस होगी, ऐसे ऐसे होगी एक्सिस। तो दिस इज योर एक्सिस जिसके अबाउट हमें जी लेना है, मतलब अगर ये सरफेस देखो तो ऐसे नहीं लेना है ना, ऐसे लेना है, ये वाली से लेना है। चलिए एनीवेज नेक्स्ट, अब बचता थीटा। थीटा कौन है भैया? तो थीटा इज एंगल मेड बाय सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। अच्छा जी, ये तो कहीं दिखाया नहीं, हाँ तो आप दिखा दूंगा उसमें, चलो देखो। ये है आपका मान लेते हैं, दिस इज फ्री सरफेस एंड दिस इज एंगल थीटा, समझ में? दिस इज योर एंगल थीटा। हमारे में हम लोग सिंपल ऐसा नहीं, मतलब आप सोचो क्या, अब मान लो हम मान लो सरफेस ही ऐसा दिख रहा है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, ऐसा दिखेगा ही नहीं हमारे, जितना भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले ना उसमें ऐसा दिखेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लेन सरफेस का ही देखने वाले हैं। लाइट को क्या हो गया भाई, हालत खराब हो गई, ठीक है। तो दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस, कुछ रह तो नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रह गया। थीटा, अब देखो यहाँ पे थीटा जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, देखो एच इक्वल टू एक्स बार आ गया जो कि केस नंबर वन था। और अगर थीटा 90 रख दोगे जो कि वर्टिकल सरफेस अगर है तो 90 रख दोगे आई जी इंटू वन, तो आई एक्स इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। तो ये सब कोई भारी भरकम चीजें नहीं है, बट याद रखना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेम, एक्ट कहाँ करेगा वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट करेगा वो यहाँ करेगा, और कैसे एक्ट करेगा, ऐसे। Now this is your hydrostatic force, ये है वो F, और यहां कैसे एक्ट करेगा, ऐसे। This is your hydrostatic force, आ रही बात समझ में? उम्मीद है कि आ ही रही हो, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका hydrostatic forces on plane surfaces, ठीक है जी, ओके। फोकस क्लियर आई थिंक, लाइट नहीं आई, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस, हम आगे बढ़ते ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक ऑन फोर्स ऑन कर्व सरफेस, तो आपने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस पढ़ लिया, प्लेन सरफेसेस जो पढ़ लिया ना तो मतलब इसमें बस कुछ दो चार टुच्ची टुच्ची चीजें हैं,
हम लोग वही बस देख लेंगे और समझ लेंगे थोड़ा सा। एक बार जान लीजिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो डब्ल्यू ए एक्स बार या रो जी ए एक्स बार ही होना है, बस उसी को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और हम करके नहीं दिखाएंगे। हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, ठीक है ना, छोटा सा। इस छोटे से एरिया के लिए दिस इज डी ए, यू नो फोर्स इज रो जी ए एक्स बार, ठीक है। अब फोर्स है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है अगर आपको, दिस इज फोर्स, ये वेक्टर है कि नहीं वेक्टर। अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमें लेना हो तो इनमें से किस क्वांटिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। रो, क्या रो का वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। जी तो पहली वर्टिकल कंपोनेंट है, उसमें कंपोनेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और एक्स बार इज अगेन हाइट, एक एरिया ऐसा बचता है जिसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले सकते हैं, जैसे कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कुछ इस तरह का दिखेगा और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ आपका इस तरह का दिखेगा। आई बात समझ में? एक एरिया ही है जिसका हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल क्या जाएगा, रो जी ए हॉरिजॉन्टल इंटू एक्स बार, और ये रो जी ए वर्टिकल इंटू एक्स बार, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, अच्छा पिछले वाले में देखो, हॉरिजॉन्टल इंटू एक्स बार, ये आपका हो गया सिंपल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। हो गया नहीं हो गया भाई? प्लेन सरफेस ऐसे है तो a इंटू एक्स बार, दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। लेकिन इसके केस में क्या होगा, ये भी वही है, वही है, नो डाउट, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस अगर वर्टिकल देखें, ठीक। लेकिन वर्टिकल में किस लोकेशन पे, मान लो हमारे पास ऐसे बड़ा सा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल ऐसे देख लिया और ठीक है ये ऐसे कर लिया। वर्टिकल हम देखेंगे, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें हाइट इंक्लूडेड है, इसका वर्टिकल देखेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है ये बात तो समझ में आ गया साइड। लेकिन ये कहां रखें इसको, यहां रखें, यहां माने, यहां माने, यहां माने, हाइट आ गई कि कहां माने कहां, आप समझ रहे हो? इसको आप हॉरिजॉन्टल में चाहे यहां मानो, चाहे यहां मानो, चाहे यहां मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपका हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस, ये तो हो गया इक्वल। लेकिन वर्टिकल के लिए आपका हाइट से फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि हाइट से आपका एक्स बार चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, कहीं मानो, सेम रहने वाला है। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा है तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ही, बट क्या होगा ये देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ये जो है, अब देखो ये जो डीए है ये एक लोकेशन पे, डीए की लोकेशन फिक्स है, लेट्स से दिस इज डीए, डीए की लोकेशन फिक्स है, दैट इज एक्स बार, और लोकेशन फिक्स है तो इसमें थोड़ा सोचेंगे यहां ले कि यहां ले, एक ही लोकेशन है। सो इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसका जो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका टॉप व्यू से देखेंगे अगर, तो ये आपका इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो गया, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया दिस मल्टीप्लाइड बाई this, this is volume, volume, so this is your volume to the free surface, to the free surface, ये बात आपको समझनी है बस, और कुछ इसमें खास नहीं है। तो चलिए अब हम इसको एक बार, जो भी इसमें चीजें हैं उसको शुरू करते हैं। अभी तो एक आपको दे रखा है आइडिया, और यही चीज तब भी बोलेंगे, कुछ अलग नहीं बोलेंगे, सेम चीज हम आपको आगे भी बताने वाले हैं, बस आपको आपने एक बार अभी समझ लिया, एक बार तब समझ लेना ये कैसे हुआ, कैसे, ठीक है ना। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस मैंने पहले ही बना रखा है, और हमें देखना है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इसमें ये जो सरफेस है, इसमें ध्यान से देखना, मान लो सरफेस है, इसमें ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे 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 ऐसे,
फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इन सब का एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इन सब का एक रिजल्टेंट ऐसे फोर्स आएगा एफ आर, आएगा नहीं आएगा? तो एफ आर यानी इन सब का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एफ एच वन, इसका भी एफ एच टू, इसका भी एफ एच थ्री, और इसी तरह इनका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एफ वी वन, एफ वी टू, एफ वी थ्री, ऐसे करके होगा। तो हॉरिजॉन्टल को एक साथ कर लेते हैं, वर्टिकल को एक साथ कर लेते हैं, मानते हैं कि टोटल 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 दो फोर्स लग रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, और फिर रिजल्टेंट लग रहा है। यानी कि हम ये मानते हैं कि एक तो लग रहा है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स, किस पे? पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस का हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच क्या है, पूरे सरफेस पे जितना भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है उसका समेशन है टोटल, और एक है वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वी। एफ वी, और ये क्या है, टोटल हर सरफेस, हर पॉइंट को लो, हर पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में जितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो आपका हो गया एफ वी। ये दो बातें समझ लो बस, ठीक है ना। सो एफ आर क्या होगा, ऐसे कुछ एफ आर होगा, मैंने बड़ा बनाया, थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाया ना, वेक्टोरिकली दिस इज रॉन्ग, बट आप समझो फील फील वाइज, ताकि सब ये घोच पहुंच ना होता इसलिए बड़ा सा बनाया। तो एफ आर आपका ये लगेगा, दिस एफ आर इज इक्वल टू, जैसे मैंने ऐसे बनाया था ना उसी के, अब आ रही हो समझ में, उम्मीद है कि आ रही हो। तो हमें बस ये देखना है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड व्हाट इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए अगर हम देखें, ज्यादा ही चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए एफ एच के लिए दो तीन पॉइंट है बस। पहली बात कि इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है यानी एफ एच पर, वो कितना होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया देखता हूं ब्लैक से ही, या हम ब्लैक से देखते हैं। तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया कुछ ऐसा आएगा, क्या है पहली बात, दैट हाइड्रो स्टैटिक फोर्स ऑन, अरे क्या हो गया, वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया, यानी कि ये तो रो जी ए वर्टिकल इंटू एक्स बार, यही होगा। एक्स बार क्या, वो ध्यान देना, जो जरूरत की चीज है वो एक्स बार, एक्स बार इस वाले सरफेस की, ना कि इसकी, ना 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 ना, इसकी नहीं, इसकी, इस प्लेन सरफेस की, इस प्लेन सरफेस की क्या है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस प्लेन सरफेस की, ये ध्यान देना, एक्स बार यहां ये है। दूसरी बात, एक्ट कहां करेगा, एक्स ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया, कहां एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द, नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं भाई, कहां एक्ट करता है, वहीं एक्ट करेगा जहां पहले एक्ट करता था, अरे तो गलत है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, सेक्टर ऑफ, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, नॉट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं सेंटर ऑफ प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहां एक्ट करता है, जहां एक्ट करता है वहीं पे, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ये होगा, और एच यहां एक्ट कहां करेगा, इस लोकेशन पे, दिस इज योर एफ एच,
एंड दिस इज योर एच. तो एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया, एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ द प्रेशर. ठीक है, अब वर्टिकल देखते हैं. वर्टिकल वर्टिकल के केस में क्या होगा, इट विल बी दी कितना वेट कंटेन कर रहा है, वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय कर्व्ड सरफेस ध्यान से देखना, वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस. इसीलिए इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बता रहे, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बता रहे, क्योंकि हम वहां समझाएंगे कि वेट कैसे निकालना है, वो वहां पे हम लोग देखेंगे. वेट ऑफ द फ्लूड कंटेन्ड बाई कर्व सरफेस, यानी कि ये हमारा कर्व सरफेस है, तो इस कर्व सरफेस ने फ्री सरफेस तक कितना वेट कंटेन कर रखा है. ये जो फ्लूड का वेट होगा वो वेट होगा, ये वेट ऑफ द फ्लूड कंटेन्ड बाई कर्व सरफेस, ये है इसका कॉन्सेप्ट. और ये कहां लगेगा, ये लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेट. ये कहां लगेगा, इट एक्ट्स एट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द corresponding weight. इस बात को एकदम समझ लीजिए, इन दोनों चीजों को आपको बिल्कुल रट लेना है, समझ लेना है कि बिल्कुल. अब हम ये हम देखो, अभी हमने समझाया AB और AH का आपको कॉन्सेप्ट बताया हम लोग थोड़ी देर पहले. तो ध्यान से देखो, याद है ना मैंने बताया था दैट जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी वो जो वेट आता है, जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आता है उसको मैंने लिखा था रो है जी. उस वक्त मैंने ए वी लिख दिया था, तो मैं दोबारा ए वी लिखता हूं, हालांकि एक्चुअली वो ए एच होता था. सो ए एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार. और मैंने बोला था दिस ए एच, ए एच मीन्स ध्यान से देखो ए एच क्या है, दिस इज ए एच है ना. तो दिस इज वॉल्यूम और रो जी बी क्या होगा, रो जी बी इज वेट. तो ये जो वेट इस एरिया पे है, बट इस एरिया पे नहीं है, वो किसके लिए था, डिफरेंशियल एरिया के लिए. सारे ऐसे वेट्स को जोड़ देंगे, जैसे कि यहां के लिए मान लो इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट को तो इतना वेट, इसके लिए इतना वेट, इसके लिए इतना वेट, इसके लिए इतना वेट, इसके लिए इतना वेट. ऐसा नहीं है कि इस एक्चुअल ये वाला एरिया बना के करेंगे, नहीं. तो ये वाला एरिया नहीं है, वो एज कहां का था, वो हमारे डिफरेंशियल एरिया हमने जो लिया था, हमने जो डिफरेंशियल एरिया छोटा सा डिफरेंशियल एरिया लिया था इसके लिए, दिस इज एक्स बार, दिस इज डी ए और वी डी एच इसके लिए है. तो थोड़ा सा यहां कितना है, प्लस यहां प्लस यहां प्लस यहां, तो इस तरह से वो टोटल कर्व सरफेस के अंदर जो एरिया आएगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. इसीलिए इसके लिए अलग से हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हमें हर केस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये दो चीजें आप अगर समझ गए हो तो हम चलते हैं हमारे इन छह एग्जांपल्स पर. ध्यान से देखिए, इस सारे के सारे सिलेंडर्स हैं, सारे के सारे, और ऐसे काट दिए गए, सबका ये क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, तो ये ऐसे सिलेंडर काट दिया गया है, ये सिलेंडर ऐसे काट दिया गया, ये जो सिलेंडर है वो ऐसे काट दिया गया, हर सब कुछ एक सिलेंडर, ये सब सिलेंडर है और सबको काट दिया गया, यहां तक कि ये भी जो था ना ये ऐसे था, सिलेंडर ही था जिसको मैंने कार्ड बनाया था, ऐसे लाइक दिस, ऐसे कर्व सरफेस था वो, ऐसे ये कर्व सरफेस कैसे है, ऐसे
सिलेंडर को काट दिया, एक और सरफेस कैसे है ऐसे है, सिलेंडर को काट दिया, एक और सरफेस कैसे है ऐसे, ठीक है ना, ये कर्व सरफेस कैसे है, ये बिल्कुल सिलेंडर ही है, बिल्कुल ऐसे सिलेंडर ही है, बिल्कुल मान लो सिलेंडर है ऐसे, ठीक है ना, ये समझ लो। अब और छह एग्जांपल्स देख लेते हैं उसके बाद कर लेंगे। तो पहला एग्जांपल अब रेड से करेंगे सब कुछ, क्योंकि इसमें रेड नहीं है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स पहले देखते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया ऐसे होगा और इसका एक्स बार यहां होगा। तो ये तो इजी है, बस डब्ल्यू ए मतलब कौन सा, ये वाला ये, दिस इसका एरिया डब्ल्यू ए एक्स बार, वो हो गया। तो ये तो सिंपल है, डब्ल्यू ए एक्स बार आ गया है, या ओमेगा जी ए एक्स बार, डब्ल्यू ए एक्स बार, ये तो आ गया। मेन है आपका वेट, जो मैंने ये जो प्लेन सरफेस है ना, देखो ये प्लेन सरफेस एक कर्व सरफेस, हमें केवल कर्व्ड सरफेस पर ध्यान देना है। प्लेन सरफेस कर्व, दो दो प्लेन सरफेस एक कर्व, दो दो प्लेन सरफेस एक कर्व, एक प्लेन सरफेस एक कर्व, कंप्लीट कर्व, मैं जानबूझ के मैंने इनक्लोज बनाया, बस ये कारण है। हमें केवल कर्व सरफेस ध्यान देना, हमें केवल कर्व सरफेस पर ध्यान देना है। चलिए पहले अब नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। तो ये अपना कर्व सरफेस है और ये है यहां से लेकर के ये तो आपका फ्री सरफेस हो गया। तो कितना कितना वॉल्यूम लेंगे या कितना वेट लेंगे, यही ध्यान हमें यही ध्यान देना है। अब आप कहोगे इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें लिखा है ना वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय कर्व सरफेस, कर्व सरफेस में जितना कंटेन है अप टू फ्री सरफेस। अब आपको समझ लो इसके अंदर का नहीं करना है, जरूरी नहीं कि अंदर करना, मतलब जरूरी नहीं है कि नहीं ही करना है, जरूरी नहीं कि करना है। कर्व्ड सरफेस से लाइन बनाना चालू करेंगे और ऊपर ऊपर की तरफ बनाएंगे। अब मान लो ये है, इसमें भी यही कर्व्ड सरफेस के एंड से ऊपर ऊपर तक बनाई लाइन, ठीक। अच्छा एक चीज और, इसको ब्लू से बना देता हूं या ब्लैक से बना दो, ब्लू से बना देता, ब्लैक से बना देता हूं। फोर्स लगेगा कैसे अगर ध्यान दे, मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को ध्यान देना, इसमें हाइड्रोस्टैटिक टोटल फोर्स की बात कर रहा हूं, ओवरऑल एफआर की बात कर रहा हूं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा, ध्यान से देखो, मैं नाम नहीं लिख रहा, ऐसे सब में नहीं दिखाऊंगा, बस इसमें दिखा रहा हूं, ऐसे लगेगा इसमें, इसमें ऐसे लगेगा। अब आगे देखते हैं, इसमें कर्व्ड सरफेस चलो के द्वारा कितना कंटेन किया गया, कर्व्ड सरफेस तक हमें जाना है, हमारी लाइंस हमारी कर्व्ड सरफेस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, कर्व्ड सरफेस को क्रॉस नहीं करनी, कर्व्ड सरफेस तक जाना है। नाउ दिस इज योर वेट, ठीक। इसमें कैसे फोर्स लगेगा, इसमें ऐसे लगेगा, इस तरह से लगेगा, ठीक। केवल कर्व देख रहे हैं, थर्ड देखते हैं, थर्ड में भी जो भी कर्व सरफेस के एंड से वहां से हमें ऊपर तक क्या बनानी है लाइन, कर्व सरफेस को क्रॉस नहीं करना है, कर्व सरफेस को क्रॉस नहीं करना है, इसमें बनाते हैं। ये दोनों अलग हैं थोड़े, ये चार आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ये दोनों थोड़े अलग हैं क्यों, और इनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अलग बनाते हैं, यहां पे अलग से बनाएंगे,
21 मिनट चार्ज हो रहा है क्योंकि साथ में प्रोसेसिंग चल रही है ना कुछ वीडियोस की। चलो 400 हो रहा है, ठीक है। मान लो एक फ्री सरफेस है, ऐसे बना दिया, तो मैंने बोला कि कर्व्ड सरफेस से लाइंस बनानी है और फिर उसके बीच में कर देना। तो कर्व्ड सरफेस के एंड्स तो ये रहे, एक एंड यहाँ है दूसरा एंड यहाँ है, या चलो मान लो आपको दिल कर यहाँ मान लो, तो अब यहाँ मान लिया तो कौन सा बनाए, क्या मतलब इधर क्या ये। तो मैंने तो बोला कि कर्व्ड सरफेस क्रॉस नहीं करना है, अच्छा क्रॉस नहीं करना है तो चलो ये बना दिया, ये बना दिया, फिर क्रॉस नहीं करना ना हमें, तो हमने ये बना दिया। तो एक बात बताओ इसमें, और अगर कर्व सरफेस ऐसे दिया हो तो इसमें फर्क क्या हुआ, कोई फर्क ही नहीं। यानी ऐसे दिया हो या पूरा कंप्लीट दिया हो तो एक ही लगाओगे। ओ अच्छा अच्छा चलो मान लो इस तरह से, तो जैसे जो कर सकते मान, अब इसको कहीं एंड ही नहीं दिख रहा तो क्या करोगे, मतलब चलो इसको ऐसे एंड मान लेते हैं और ऐसे ऐसे बना लिया, तो इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही है दोनों। इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और वो सोचना मैं सोच के बता दूंगा आपको, नहीं समझना चाहते ना, बाकी ऐसा कुछ है जो समझना है, मैं तो ऐसे बोल दिया। देखिए दिस इज योर फ्री सरफेस, ठीक है। बात यह है कि इन सब में अगर आप देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स इन चारों में सेम है, सेम मतलब चारों में नहीं सेम है, चारों कर्व सरफेस में जो, अब जैसे देखो यहां पे ओवरऑल वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ है FV, यहां ओवरऑल वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो मैं ऐसे बता रहा हूं, बना रहा हूं। इसमें अगर देखें, इसमें आपको एक यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और यहां। इसमें भी देखो लगभग ओवरऑल लगभग क्या था, अगर केवल ऊपर नीचे की बात करें तो नीचे ही है। इसमें अगर देखें तो इसमें देखें तो साफ साफ पता चल रहा है ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें केवल ऊपर है, इसमें केवल नीचे है, इसमें केवल नीचे है, इसमें केवल ऊपर है। इसके केस में क्या है देखो, इसके केस में ये है कि अगर हम यहां से ऐसे थोड़ा सा देखें तो इस सरफेस पे और पता नहीं क्या हो गया पेन को, इस सरफेस पे नीचे की ओर है लेकिन इस सरफेस पे ऊपर की ओर है, और इसीलिए इसको एक साथ नहीं एक बार में नहीं कर सकते। तो चूंकि अलग अलग डायरेक्शन में इसमें एक ही सरफेस है कंप्लीट, पर एक ही सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे गए और सीधा डायरेक्शन ही चेंज हो गई, तभी बस इसी कारण से हमें इसे थोड़ा सा क्लोज लुक देना पड़ेगा। तो क्लोज लुक कैसे देंगे, क्लोज लुक ऐसे देंगे, उसमें कुछ कठिन थोड़े है, वही काम करेंगे। इसको हम यहां से डिवाइड कर लेंगे, कर लिया डिवाइड, ध्यान से देखो इस सरफेस पर, ऊपर वाले सरफेस पर अगर देखें, ओनली ऑन ऊपर वाला सरफेस, यानी हमने इसको ऐसे बना लिया ऊपर वाला सरफेस, इस पे आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा, केवल इतना, किस डायरेक्शन में, ये नीचे की डायरेक्शन में, ठीक। इस पे देखते हैं, इस पे आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में, ये वाला ऊपर की डायरेक्शन में जो टू है दैट इज ये वन वाले से ज्यादा है, तो नो डाउट कि अल्टीमेटली टू ऊपर में होगा माइनस एफ वी वन होगा, नहीं होगा एफ वी टू माइनस एफ वी वन होगा, नहीं होगा, इधर इतना ऊपर लग रहा है इससे नीचे लग रहा है, तो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ ओवरऑल फाइनली ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और एफ वी टू मतलब कि वेट अंडर दिस लिक्विड, देखो वेट अंडर दिस बड़ा वाला, ध्यान से समझो, वेट अंडर दिस बड़ा वाला, और उसमें से कितना रिड्यूस हो जाएगा,
वेट अंडर दिस बड़े वाले से वेट अंडर दिस छोटा वाला रिड्यूस हो जाएगा, तो मैं मिटा ही देता हूं। तो देखो वेट अंडर बड़े वाले से वेट अंडर छोटा वाला रिड्यूस हो गया। क्या बचा? वेट इनक्लोज्ड विद इन दिस सरफेस, वेट इनक्लोज्ड विद इन दिस सरफेस, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है। आप ऐसा समझो कि कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और वेट आप सोचोगे कि नीचे की तरफ लगता है, वेट नीचे की तरफ लगता है, पर यहां वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूड, वेट की जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगा, पर डायरेक्शन वेट वाला नहीं लेंगे, डायरेक्शन तो वर्टिकल फोर्स वाला लेंगे अकॉर्डिंग टू सरफेस, ठीक है ना। So, इसलिए इसके अंदर हो गया आपका इस तरह से। अब सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से देखिए, ये ले लिया और हॉरिजॉन्टल से इसको काट दिया, तो इसके दो सरफेस बन गए, एक आपका ये वाला बन गया और एक आपका ये वाला बन गया। क्यों काटा? ऐसे काटा ताकि एक ऐसे काटना है ताकि एक सरफेस में एक ओवरऑल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे। तो देखिए मान लो लेट्स से दिस इज फ्री सरफेस, दिस इज योर फ्री सरफेस, तो लाल वाले में लाल वाली की वजह से दिस इज गोइंग टू बी योर वेट, लेकिन एक किस डायरेक्शन में? नीचे एफ वी वन, और ब्लू वाली की वजह से इट विल बी टू दी ब्लू सरफेस, और ये ऊपर अगेन ओवरऑल फोर्स एफ वी टू माइनस एफ वी वन, मतलब वेट ही है, वेट इंक्लोज्ड बाय वी टू माइनस वेट इंक्लोज्ड बाय वी वन, तो अगेन ये बीच वाला खत्म हो जाएगा। सो दैट इज फिर से वेट इंक्लोज्ड इन दिस फ्लूड, वेट इंक्लोज्ड कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ भाई। ये आपका जितना वेट इसके अंदर है या जितना वेट इसके अंदर है दैट विल बी द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दीज सरफेसेस, और किस डायरेक्शन में? ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन में, यहां पे भी ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर। क्या ये बात समझ में आई? बस इसमें यही इतना समझना है, ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में। अब इन दोनों के बेस पे यानी कि प्लेन सरफेस एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व सरफेस, अच्छा इनमें ये हॉरिजॉन्टल को देखना, हॉरिजॉन्टल समझे भाई, सिंपल ऐसे बना दोगे और डब्ल्यू एक्स बार ऐसे बना दोगे, डब्ल्यू एक्स बार इसका भी ऐसे बना दोगे, डब्ल्यू एक्स बार ऐसे बना दोगे, डब्ल्यू एक्स बार डब्ल्यू एक्स बार ऐसे बना करके, ठीक है। ऐसे बनाने का मतलब कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, एक रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ सरफेस आएगा अगर ये आपका क्या बोलते हैं सिलेंडर है, तो इसमें भी आपका रेक्टेंगुलर आएगा, इसमें भी आपका ऐसे सब में रेक्टेंगुलर आएगा, सब में रेक्टेंगुलर आएगा। तो अनलेस गिवन कि मतलब अंदर का सरफेस रेक्टेंगुलर है कि ट्रायंगुलर है, तो आप रेक्टेंगुलर ही लेना, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा केस बोला कि भाई नहीं अंदर ये इस तरह नहीं कोन है, मान लो बोला कोन है, दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज लाइक कोन, तो कोन का मतलब अंदर जाकर के, अंदर जाकर के क्या होगा, ये तो ऐसे और ऐसे, तो उधर से देखोगे तो ट्रायंगल दिखेगा आपको, तो उन सब केसेस की बात है कि आ गया तो आप कर लेना उस तरह से, ठीक है। तो अब इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेरी सरफेस पर ऐसे नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट होता है गेट्स, जैसे कि डैम है मान लो, तो इस डैम में ऐसे गेट लगा हुआ है, देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने एक इनक्लोज्ड बनाया है, क्योंकि गेट है, गेट क्या करेगा, पानी को बाहर नहीं आने देगा, तो ये गेट है और पानी इसके ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है, ऊपर ऊपर रहेगा, तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा इनक्लोज्ड नहीं हो तो ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है अलग से, जो कि आप समझ सकते हैं बहुत इजी, इनक्लोज्ड नहीं हो मान लो मैं ऐसे इनक्लोज्ड नहीं बनाता, जैसे मैंने जो लाइन बना दी इनक्लोज्ड नहीं बनाता, तो क्या दिक्कत होती उससे, मतलब देखते हैं, मान लो ऐसे बना दिया और इनक्लोज नहीं कर रहा है, तो क्योंकि आपको क्वेश्चन सारा ऐसा आएगा जिसमें इनक्लोज ही रहेगा, तो उसमें क्या होगा, देखो अब इसमें दो सरफेस है, एक नहीं है दो सरफेस, एक टॉप एक बॉटम, तो टॉप पे ऐसे लगेगा,
ठीक है ना, टॉप पे ऐसे लगेगा और बॉटम पे पास्कल ने बोला भाई, एक में क्या इसको क्या हो गया ब्लैक को, मैं जानबूझ के वहीं लगा रहा हूँ नीक पॉइंट्स पे, ताकि आप समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बात मेरी दोनों सरफेसेस पे, और दोनों सरफेसेस पे फोर्स टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। अब लास्ट बात बोल करके खत्म करूंगा मैं। देखो दोनों सरफेसेस पे फोर्स तो जीरो हो जाएगा, आपके पास फोर्स नहीं है, पर ऐसा फोर्स नहीं है जो इसको मूव करा सके। अब इमेजिन पहले देखो, मान लो एक सिंपल जैसा कुछ है, इस पे इधर से फोर्स लग रहा, इधर से फोर्स लग रहा, और दोनों फोर्स सेम है एफ और एफ, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जरूरी नहीं है, मतलब मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका इफेक्ट होगा नो मोशन, नो मोशन, बस क्या इतना ही इफेक्ट होगा? नहीं, ये तो क्या नो मोशन, तो मतलब तुम लगाते जाओ फिर तो करोड़ों करोड़ न्यूटन लगा लो, नो मोशन नहीं भाई, तब उसका नेक्स्ट इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, स्ट्रेस जेनरेशन, स्ट्रेस जेनरेशन। तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो स्ट्रेस जनरेट होगा, और अगर केवल एक ही तरफ से लगे, मान लो केवल एक ही तरफ से लगे, कोई ऐसे बॉडी है उसमें केवल एक ही तरफ लगे, तब इसमें मोशन होता है, इसमें मोशन आएगा, इसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, नो स्ट्रेस, तब इसमें क्या आएगा, मोशन आएगा पर स्ट्रेस नहीं आएगा। बट अगर दोनों तरफ लगा है तो स्ट्रेस आएगा, मोशन नहीं आएगा। तो अब जो आपके केसेस में आएंगे, गेट है तो गेट पे एक ही तरफ लगेगा तभी तो मोशन आएगा ना गेट में, तो क्या करेगा वो पानी, गेट को खोलना चाहेगा कि हम जाएंगे बाहर, हमको जाने दो बाहर, ये हो गया मोशन का एस्पेक्ट। और अगर ये गेट खुला, मान लो ऐसे है जैसे ये वाला है, अब देखो ये केस मैंने बनाया गलत है, गलत मतलब ये केस लगभग इसी तरह है, इसमें मैंने इनक्लोज नहीं किया है, तो भले मैंने ऐसे से दिखा दिया है वो तो समझाने के लिए, बट एक्चुअली क्या होगा, इसमें इस सरफेस से ऐसे से लगेगा, इस सरफेस से ऐसे से लगेगा, जीरो फोर्स रहेगा, कोई फोर्स ही नहीं बचेगा, लेकिन ये क्या करेगा, कंप्रेस टाइप में होगा, या फिर आप समझ रहे हो मतलब ये स्ट्रेस जनरेट होगा। और यही वजह है कि जैसे जैसे आप सी में नीचे जाते जाते हो ना, आपके ऊपर बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, अरे प्रेशर क्या बढ़ रहा है, देखो दोनों आप क्या बोलते मतलब आप काइंड ऑफ स्क्वीज हो रहे हो, मान लो जैसे आपका यही है नीचे गए, इधर में फोर्स लग रहा है, ऐसे तैर रहे हो ना, इधर से फोर्स लग रहा है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, इधर से भी हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है, तो आप स्क्वीज हो रहे हो, स्क्वीज, वही स्क्वीज को बोलते हैं प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, दैट इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली रोजीएच, रोजीएच ही है, वो भी गलत ही बोल दिया, रोजीएच, बट दैट इज इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है वो, कौन सा इफेक्ट है, स्ट्रेस इफेक्ट। पर मान लो ऐसा कुछ हो कि आपका एक जस्ट एक जो है पानी पे टच हो, जैसे कि तैरते समय सोच सकते हो, तैरते समय ये वाला एरिया आपका टच करता है, मान लो ऊपर वाला नहीं कर रहा है ऐसे, तो क्या करेगा, एक तरफ से फोर्स लगाएगा और आपको ऊपर रखेगा और दूसरी तरफ फोर्स नहीं लगाएगा, हालांकि तैरने का कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सब ठीक है, ओके सब ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई हो।